सनातन धर्म और संत समाज का प्रचार व कुप्रचार ये एक अजीब सी पहेली है। इस पहेली के कई आयाम हैं, जहां कई बार तो ये समझ ही नहीं आता कि सच है क्या और झूठ क्या है। भारत देश की अचल संपत्ति देश के संत ही रहे हैं, इस बात का इतिहास गवाह रहा है कि चाहे वो समय स्वामी विवेकानंद जी का रहा हो या फिर भगवान गौतम बुद्ध का, इस देश का नाम ऊंचा करने में संतों की भागीदारी रही है। लेकिन ये भी सच है कि भारत देश को कुचलने वाली संस्थाएं भी काफी अरसे से सक्रिय रही हैं। कभी शंकराचार्य को आरोपी बनाकर दिवाली की रात गिरफ्तार किया जाता है और फिर बाद में वो निर्दोष साबित होते हैं। कभी 85 वर्ष के संत कृपालु जी महाराज के ऊपर यौन शोषण जैसे घिनौने आरोप लगा दिए जाते हैं, पर जांच पड़ताल में कुछ साबित नहीं होता। कभी स्वामी नित्यानंद की एक अश्लील सीडी मीडिया में प्रचारित की जाती है, फिर जांच में वो सीडी फर्जी निकलती है। और स्टार विजय चैनल को एक महीने तक हर दो घंटे में माफीनामा चलाने की सजा दी गई। सिर्फ आरोपों के आधार पर भारतीय संस्कृति के मार्गदर्शक संतों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, परंतु आरोपों के पीछे के षड्यंत्र को समाज के आगे उजागर नहीं होने दिया जाता। संत आसाराम बापू पर लगे आरोपों के बाद ये बहस एक बार फिर से छिड़ गई है कि सनातन काल से ही चली आ रही संत परंपरा पर आखिर चोट क्यों की जा रही है। ऐसे ही तमाम पहलुओं की पड़ताल की धार्मिक संस्था इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ने, और इस पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। 20 अगस्त 2013 का दिन, संत आचाराम बापू पर एक बड़ा घिनौना आरोप लगा। आरोप लगने की देर थी कि मीडिया को मानो टीआरपी के लिए एक मसाला मिल गया हो। कुछ मीडिया वालों ने तो आरोप तक तय कर दिए और भीख में मिले कच्चे चावलों को मसालेदार बिरयानी का एक रूप दे डाला। उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ फिर बलात्कार किया। और मीडिया ने एक महापुरुष की छवि को धूमिल कर करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस तक पहुंचाई। जब तक इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो, जब तक इतने बड़े संत का सामाजिक रूप से अपमान नहीं होना चाहिए। उस बेटी के प्रति हमारी सहानुभूति है, पर वो जिन षड्यंत्रकारियों का शिकार हुई वो बेटी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। You can surmise what you want. Yes. I have not said that he is innocent or guilty. Yes. I only asked what the FIR says. It is you who is acting the role of a prosecutor through the media. And you have to do the explaining on what basis you say that he is guilty. Okay. He is been, there is an FIR. The FIR originally your media was saying that he committed rape. Now the FIR doesn't say that. Just because you people sit around and decide. Okay. There is a legal system. The authority is being given to the police. Yes. There is a criminal procedure court. The media doesn't have a separate criminal procedure court. Criminal procedure court passed by parliament. Yes. Is being followed, and the person to decide is this. If anyone has a grievance, let them go to the high court and say what is this going on. I do that all the time. See, I studied the case thoroughly and got all the information. I am telling you very clearly. I even consulted with some of the doctors who usually give these medical reports. I spoke to some of them and asked their legal opinion based on this medical report. They say, Swamiji, based on medical report, we are 100% sure there is neither rape nor attempt to rape. Sexual assault. Not even sexual assault. Because a minor's skin will be very soft. If there is an assault, the mark will be there at least for next 3-4 days. They say no rape happened and no attempt to rape. उनकी 40 साल की सेवा, त्याग, इसको नजरअंदाज कर तथ्य तक पहुंचे बगैर सीधी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। जैसे जैसे समय बढ़ा, खबरों ने अजब गजब मोड़ लेने शुरू कर दिए। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आई तो मानो मीडिया को सांप सूंघ गया हो। खबरों को मसाला बनाकर तो परोसा गया, लेकिन बलात्कार की पुष्टि न होने पर किसी ने माफी तक नहीं मांगी। और माफी मांगना तो दूर, इस खबर को ठीक ढंग से दिखाया तक नहीं।
चलिए देखते हैं जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर। एफआईआर में बच्चे ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली में से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल तो ये था कि जब लड़की के मुताबिक वारदात 15 तारीख को हुई तो वो 5 दिन तक आखिर क्या कर रही थी। अगर वो लोग सुबह 16 की सुबह को यहाँ से रेलवे स्टेशन सैजापुर के लिए निकले थे जाने के लिए, तो रेलवे स्टेशन के बीच में करीब तकरीबन 4 से 5 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, तो वो लोग वहाँ पे भी FIR कर सकते थे, वहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते थे, अपने साथ जो भी हुआ है वहाँ पे वो लोग बता सकते थे कि मेरे साथ में ये अत्याचार हुआ है। तो अगर हुआ है तो वो लोग यहाँ पे भी बता सकते थे। दिल्ली में जाने से वहाँ जाने के बताने से ये एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर ऐसी हरकत किसी महिला या बच्ची के साथ हो तो क्या वो एक पल भी चुप रह सकती है? सवाल बहुत ज्यादा अहम है। जिस दिन वो लोग यहाँ से निकले थे 16 की सुबह, तो वो लड़की के पिताजी ने बापू से सुबह 7:30 बजे निकलने की आज्ञा भी ली थी फिर हमारे साथ में इधर आए, खाना खाया और हंस मिल के बच्ची एकदम अपने पिताजी के साथ हंस मिल के बातचीत कर रही थी और मेरे लड़के और लड़की को उन्होंने पैसे दिए, 100-100 रुपये भी दिए हैं। फिर मेरा चचेरा भाई उनको रेलवे तक ड्रॉप करके भी आया। वो माता पिता समेत जोधपुर से शाहजहांपुर और फिर 2 दिन के बाद यानी 18 से 19 अगस्त को संत आसाराम बापू की दिल्ली सत्संग में दर्शन करने क्यों आई? उसके पिता अपनी बेटी को भूत प्रेत का साया बताकर आसाराम बापू से मिलने की बार बार मांग क्यों कर रहे थे? क्या इन पहेलियों को मीडिया ने सुलझाने की कोशिश की? Is that the case is false? Nothing happened to the girl as claimed by the girl for more than 1 hour and a half at the dead of night when 3 servants were sitting outside the door and the mother was sitting also at the same time and the mother had come there to accompany her own daughter and see what is happening. She heard nothing. Let us assume that she heard nothing. When the girl came out after the alleged whatever she said was happening in the room, the mother met her, the mother and daughter went together, they met their father, they met their host with whom they had dinner, they stayed there for the whole night, in the morning they had breakfast with them, then the host provided a car and nothing was complained to anybody. Now, on these facts, prima facie, the Swamiji is right that the story is unbelievable. I am trying to persuade the court to grant him bail so that he should collect further evidence as to why this false case has been instituted. We have been able to get some evidence, but some more evidence is still required because our reliable information, the Swami's reliable information is, when I talk of the Swami, I also talk of the Swami's followers. Their information is that before the first information report was filed, she, the girl and her parents met some politicians who are hostile to the Swami. So all that I can tell you is that the defense of the accused is credible. It is by no means an open and shut case, and we should, Swamiji's followers must pray to God that he will make the prosecutor see the folly of this prosecution. बापूजी पर लगे आरोप सिद्ध होने बाकी हैं, लेकिन
जिस तरह से मीडिया ट्रायल कर आशाराम बापू की छवि धूमिल की गई, उससे उनके साधकों को गहरा सदमा लगा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है भोपाल आश्रम के वरिष्ठ पदाधिकारी देव कृष्णानी जी की सदमे से हुई मौत। उन्होंने दो दिन से अन्न जल त्याग दिया था। देव कृष्णानी जी बापू जी के समधी और उनके पुत्र नारायण साईं जी के ससुर थे। इस वजह से बापू जी मध्य प्रदेश पहुंचे और पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं हो सके। वो इंदौर आश्रम में जोधपुर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने हर तरीके की पूछताछ के लिए सहयोग करने और अगले दिन जोधपुर जाने की तैयारी भी कर ली थी। जब भी स्वास्थ्य में जैसे सुधार होता है तो जोधपुर या तो फिर वो अगर पूछताछ के लिए पुलिस यहाँ आती है तो यहाँ भी पूरा और सभी को मेरा साधुवाद। लेकिन मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई कि बापूजी फरार हैं। मीडिया का दबाव बढ़ता गया और सरकारी तंत्र डामाडोल होने लगा। 31 अगस्त की रात 1 बजे देश के 75 वर्षीय सम्मानित संत को पुलिस जबरदस्ती उठा कर ले गई। और इतना ही नहीं, बापूजी के अंगत सेवक को मारा पीटा गया और रात भर कोई फ्लाइट ना होने के बावजूद बापूजी को इंदौर हवाई अड्डे पर सुबह तक बिठा कर रखा गया। टीआरपी के लिए मीडिया बापूजी की खबरों से हटा नहीं और जनहित के तमाम मुद्दे दफन से हो गए। रुपए की कीमत जमीन पर आ गई, पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे और कई दिनों से अधर में लटका फूड सिक्योरिटी बिल आराम से पार्लियामेंट में पास हो गया। इन सब पर मीडिया की नजरें नहीं गई। इन खबरों से मीडिया की टीआरपी की भूख नहीं मिटती। महज एक आरोप के बिना पर 50 सालों से लोक कल्याण में अविरत संत के समाज के प्रति अभूतपूर्व योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। उनके साथ एक आतंकवादी से भी बदतर सलूक किया गया। अभी जो अपमान का जो हमारे सामने दृश्य आ रहा है वो हमारे पूज्य बापू आसाराम बापू 80 वर्ष की उम्र है, किसी लड़की के ऊपर का रेप का चार्ज लगा करके उनको हमारे गिरफ्तार करते हो। ये गिरफ्तारी उनके लिए नहीं है, गिरफ्तारी हिंदू समाज को बताने के लिए कि तुम्हारे संत इनके हम जो निष्ठा है, जो तुम्हारे अंदर सम्मान है, उनका जो श्रद्धा का भाव है, इसको हम मिटा कर रखते हैं। कोई भी अगर बुरे कर्म करता है, बुराई करता है, तो हमारे ख्याल से वो संत हो ही नहीं सकता। हाँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम हमेशा कहते आए हैं, अगर ऐसे कर्म करता है तो वो संत नहीं, पर अगर उस पर झूठे इल्जाम लगाए जाए तो ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि 10-10 रुपए के लोग इज्जत नीलाम कर देते हैं और जिसको लाखों रुपए मिले किसी पे लांछन लगाना कोई बड़ी बात नहीं। हम जानते हैं कि हमारे सामने बापू जी के सामने एक समस्या इस रूप में, विकराल रूप में खड़ी है। निश्चित रूप से जो भारतीय संस्कृति परंपरा के प्रति जो रुचि रखने वाले हैं, निष्ठा रखने वाले हैं, उनको समझते हैं, वो समझते हैं कि सच्चाई कितनी है और उसके विरुद्ध में षड्यंत्र कितना है। तो हमें सच्चाई और षड्यंत्र को समझने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारी परंपरा बहुत उदारतापूर्ण रही है और कभी भी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए सामान्य लोगों ने भी कभी किसी को न तो पीड़ा दी न उनको सताया। और उसके जो मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, उनके द्वारा किसी को पीड़ा दिया जाना या कोई संत है, कोई साधु है, वह कभी भी समाज के अहित की कभी नहीं सोचता। क्या इस तरह की कार्रवाई सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं लगाती? क्या सरकार ने यह कदम उठाने से पहले एक बार भी ये विचार नहीं किया कि इससे करोड़ों लोगों की आस्था को कितनी ठेस पहुंचेगी? आखिर क्यों सरकार ने मीडिया के दबाव में आकर यह कदम उठाया? तो सिर्फ आशाराम बापू के समर्थक ही नहीं, बल्कि हर वो शख्स जिसे जाने अनजाने बापूजी के ज्ञान से फायदा पहुंचा, वो भी समर्थन में सड़कों पर उतर आया। ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि बापू के समर्थकों ने गुंडागर्दी की, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बापू के समर्थकों ने देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर अपनी बात कहने की कोशिश की। समर्थकों ने मांग की कि हमारे बापू निर्दोष हैं, बापू को सताना बंद करो। क्या लोकतांत्रिक देश में अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना भी गुनाह है? घटिया बोले हमारे बापू के साथ, एलजीपी साथ, सरकार करोड़ों जनता, करोड़ों साधकों के साथ, करोड़ों साधकों के साथ अन्याय हो रहा है, हर एक बंदा रो रहा है। बापू जी के साधक से भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है, बापू जी की तो बहुत दूर की बात है। हद तो तब हो गई जब शांति से धरना दे रहे इन साधकों पर
पुलिसिया कहर बरपा। जो आसाराम के समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर चले आए हैं, यहाँ देखिए ओम ओम कर रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं ये लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज हो गया यहाँ पर जोधपुर जेल के बाहर, जोधपुर जेल के बाहर लाठीचार्ज हो रहा है। यहाँ पर आसाराम के समर्थकों को मार मार कर भगाया जा रहा है। निर्दोष समर्थकों को बेरहमी से पीटा गया और कई समर्थकों पर केस तक ठोक डाले गए। जुल्म ढहाने का सिलसिला यही नहीं रुका, जेल में बापूजी का पोटेंसी टेस्ट भी करवाया गया। सवाल उठता है कि जब खुद जोधपुर पुलिस ने ये बात कबूली कि एफआईआर में छेड़छाड़ का ही मामला है, रेप का नहीं, तो फिर पोटेंसी टेस्ट की जरूरत क्या थी? ये अत्याचार नहीं तो और क्या है? मीडिया ने पीड़ित लड़की की सहेली से भी बातचीत की, लेकिन किसी ने उस वीडियो को दिखाने की जहमत तक नहीं उठाई, क्योंकि उस बयान से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जो सच मीडिया नहीं दिखा पाया वो सच अब हम आपको दिखाते हैं। सर को फोन लगा के पूछा कि आप इसे बापूजी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, झूठा आरोप क्यों लगाया? तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उसने ये बोला। तो सवाल उठता है कि आखिर सच क्यों छुपाया गया? महज आरोपों के आधार को मुद्दा बनाकर, घंटों मसाला बनाकर जनता के सामने क्यों भरोसा गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं कानून के विशेषज्ञ और बापूजी के वकील के मनन से। आपने देख ली, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको। 376 रेप केस नहीं बनता है, रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है, और उस पे आउटरेस्ट मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट वाली बात है उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है, फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया है? कानून, आप कानून को पढ़ लो पहले। टच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी रात आप चलते चलते बीसों को टच कर रही हैं, आपका रोज अरेस्ट होते फिरेंगे। मत करो ऐसी बातें, सुनो लॉ ऐसा बन गया तुम भी चक्कर में आ सकते हो कभी ना कभी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। मत चक्कर में करो ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन, मैं एंकर्स को भी कह रहा हूँ, क्योंकि लॉ को समाज के मुताबिक बनना चाहिए, समाज के लिए कानून होता है। ऐसा भी कोई एलिगेशन नहीं है, ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ की जो स्टोरी आप चलाए बैठे हो ये कोई आपके लिए अच्छी बात है, समाज के उत्थान के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं आप? चंद्रा स्वामी का केस याद है सबको? बिल्कुल बिल्कुल। लखुभाई पाठक केस में 9 महीने जेल में जी, बरी हुए सेंट किट्स, बरी हुए, बाकी 9 केसों में फेरा में बरी हुए, एक बार भी क्लिप दिखाई आज तक आप लोगों ने उसकी? उस समय उसको नंगा करके रख दिया तमाम दुनिया के आगे, आज एक केस में भी, और मैं ही लॉयर हूं उसमें। अब बताइए 9 महीने उसकी जिंदगी के कोई वापस दे सकता है आज? और सुप्रीम कोर्ट में बेल हुई थी जाकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी कि ऐसे केसों में तो मजिस्ट्रेट को बेल दे देनी चाहिए थी जी, और वो एंटीसिपेटरी पर थे पहले। तो मेरा मानना यह है कि कानून की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है, आपके माध्यम से मैं बाकी चैनल को भी कल भी कहा है कि बैलेंस स्टोरीज, अपनी स्टोरी, मैं कहूंगा कि मीडिया में सारे चैनल एक जैसे नहीं है, कुछ चैनल्स का व्यापार हो गया है। जी हाँ, बापूजी के पास रहने वाले शिवा का भी नाम एफआईआर में दर्ज था, जिसका इस केस से शायद कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी उसने जांच में सहयोग के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने जांच के नाम पर हद ही पार कर दी। आइए जानते हैं शिवा की जुबानी, जो उसने कस्टडी के वक्त वहां के माहौल को देखा और उस पर जो बीती। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, बाकी मैंने मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे, पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी टूटी गई शिका पूरी खेत उखाड़ दी थी, फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है, और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं कहीं सीढ़ी की हुई है ना? नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, तो बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को, मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। पुलिस की बर्बरता और अन्याय को मीडिया ने जनता के सामने रखना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि शिवा को मोहरा बनाकर पुलिस और मीडिया ने दुनिया के साथ खूब आंखमिचोली खेली। अश्लील सीढ़ी के नाम पर जनता को भ्रमित किया गया, शिवा के नाम पर सरासर झूठे बयान दिखाकर पूरे देश को गुमराह करते रहे।
कई चैनलों ने तो पूरे पूरे दिन इसी खबर को चलाया, लेकिन कस्टडी में लिए गए शिवा के बयान ने मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा लगाया है। सिर्फ कुछ चैनलों ने सच दिखाने की हिम्मत दिखाई। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं है, और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था, और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है, 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था, मैं 7:45 बजे निकल गया था, 8 बजे की मेरे पास टिकट है, और सारा मैंने उनको मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरे मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। लड़की क्यों आई थी, आपने बुलाया था किस? नहीं, मैं बापूजी के साथ प्रसाद की सेवा में रहता हूँ, तो हर कोई मेरे को फोन करता है, जो भी फोन करे उसको मैं सबको मैं जवाब देता हूँ। अगर मेरी सेवा खाली प्रसाद की रहती है तो मैं प्रसाद तक की सेवा रहता हूँ, बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि गुरु उसके उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती, लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेली, खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया, फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रही। सारा मैंने कोर्ट में मेरा भी मेरा नंबर आपको बोलो दे सकता हूँ, आप खुद कॉल डिटेल निकाल सकते हो, खुद मेरा नेटवर्क निकाल सकते हो। मेरे पास कोई सीडी नहीं है, पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से सेल्फी का काम दिया गया आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है, वार्डन को कितनों को कितनी सारी वार्डन होगी मैं कैसे जानूंगा। आपकी सेल्फी से उस दिन बात नहीं? कभी नहीं, मेरा उसमें कॉल डिटेल में चेक कर लो। जो कर्मवीर सिंह जी है लड़की के पिताजी, वो भी बुरे नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मैंने मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती भी बहुत की जा रही है। गुरुकुल की वार्डन शिल्पी को बापू का राजदार बताकर मीडिया ने खूब बवंडर मचाया। पुलिस आसाराम की इस राजदार की तलाश में जुटी हुई है, पिछले 6 दिनों से उसे देश भर में तलाशा जा रहा है, लेकिन शिल्पी इतनी शातिर है कि पुलिस के हाथ नहीं लग रही है। डीसीपी अजय पाल लांबा के बयान ने मीडिया को फिर नंगा किया। शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। हमारी जानकारी में सारे तथ्य हैं कि कौन कहां कहां हो सके। पूज्य बापूजी समाज को जागरूक करने के लिए पिछले कई वर्षों से निरंतर यात्रा एवं परिश्रम कर रहे हैं। कभी कभी एक ही दिन में 4-4 जगह यात्रा करके सत्संग करते हैं। सिर्फ सत्संग करने के अलावा पूज्य बापूजी 400 आश्रम, 18 लाख ऋषि प्रसाद पत्रिका और 18,000 बाल संस्कार केंद्रों के मुख्य संरक्षक एवं व्यवस्थापक भी हैं। इसलिए कभी कभी अत्यधिक व्यस्तता के कारण रात में सिर्फ 2-3 घंटे की ही नींद ले पाते हैं। अत्यधिक परिश्रम और बार बार वातावरण में परिवर्तन की वजह से उन्हें पिछले 12 सालों से ट्रिगेमिनल न्यूरोलेजिया नाम की खतरनाक बीमारी है। बापूजी के जो जोधपुर में इन्वेस्टिगेशंस हुए उसमें केवल एक MRI की जांच करवाई गई और ये कहा गया कि बापू को इस प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, जबकि पिछले 13-14 वर्षों से ये पीड़ा है और इसके कई प्रमाण मेरे पास है। देश भर के कई डॉक्टरों के प्रमाण पत्र इस समय मेरे पास उपलब्ध है। एक तो मेरे पास मुख्य प्रमाण पत्र है अहमदाबाद के राज वैद्य धनशंकर गौरी शंकर जी का, इनकी आयु 92 साल की है और इन्होंने ये प्रमाण पत्र गुरुदेव के चरणों में अर्पित किया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो दिल्ली के डॉक्टर बैनर्जी है, बहुत ही विख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक है, इन्होंने 2 जुलाई 2013 मतलब जस्ट 2 महीने पहले ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है और इनकी चिकित्सा पिछले 6-7 वर्षों से स्वामी जी लेते हैं। तीसरे है डॉक्टर भरत दलाल, जो कि एक जाने माने डेंटिस्ट है मुंबई से, और शुरू में तो जैसे ये दर्द शुरू हुआ तो इसकी पीड़ा जब नीचे होती थी तब ये शंका थी कहीं दांत से तो संबंधित नहीं है, तो ये डॉक्टर भरत दलाल तब से जुड़ गए और लगभग 2010 तक इनके ट्रीटमेंट में, इनके मार्गदर्शन में ट्रीटमेंट होती रही और फिर उन्होंने ये केस न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर किया क्योंकि ये दांतों से संबंधित नहीं था।
इस बीमारी को विकिपीडिया वेबसाइट पर दुनिया की सबसे दर्दनाक बीमारियों में से एक बताया गया है। इसकी पीड़ा इतनी भयंकर है कि प्रसूति की पीड़ा भी इसके सामने कुछ नहीं। मॉडर्न मेडिसिन ने इसे सुसाइडल डिसीज कहा है। ये पीड़ा जब अति तीव्र रूप ले लेती है, जैसे कि शूटिंग पेन है, बर्निंग सेंसेशन है, बोरिंग सेंसेशन है, जैसे किसी ड्रिलिंग मशीन से हम बोर करें तो जैसी होती है एक संवेदना, तो पेशेंट अपनी पीड़ा का वर्णन इस प्रकार से करता है, शॉकिंग पेन है। तो जब ये पीड़ा किसी भी प्रकार से एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या किसी भी प्रकार से कंट्रोल में नहीं आती तो पेशेंट सुसाइड तक कर लेता है। ये इतनी भयानक पीड़ा है। और इस पीड़ा को जैसे जिस समय ये एक्यूट रूप ले लेती है, उस समय हल्की सी हवा अथवा एसी अथवा तेज आवाज, हाई टेम्परेचर, थोड़ा सा भी बोलना अथवा थोड़ा भी पानी, ठंडा पानी दांतों को स्पर्श हो जाए ठंडे पानी का, तो भी ये पीड़ा तीव्र रूप ले लेती है। इसी भयंकर पीड़ा की स्थिति में भी उनको जेल के अंदर किसी भी तरह का कोई इलाज मुहैया नहीं करवाया गया, बल्कि उनके दर्द का मजाक बनाकर रख दिया गया और दिखाया गया कि बापूजी पिछले कई वर्षों से अफीम खाते हैं और जेल में अफीम ना मिलने के कारण वो परेशान हैं। क्या ये निर्दयता और संवेदनहीनता की हद नहीं है? कोई भी उठकर आरोप करे कि भाई अफीम खाया, किसी ने ये आरोप लगाया, किसी ने ये आरोप लगाया। अफीम खाने वाला व्यक्ति, आज आप ही कहते हो कि जो राजस्थान न्यायालय ने, जोधपुर न्यायालय ने जो एक पैनल बनाया जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, उनके कई प्रकार के डॉक्टर जो भी उन्होंने रखे होंगे, और आपने ये कहा कि बापू की एमआरआई की रिपोर्ट नॉर्मल है, बापू के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, तो क्या अफीम खाने वाले व्यक्ति के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहती हूँ कि मैं खुद एक वैद्य हूँ और मैं आधुनिक शास्त्र में वैद्यकीय शास्त्र की भी जानकारी रखती हूँ। आज एमआरआई रिपोर्ट में 75 वर्ष की आयु में बापू की एमआरआई की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। अफीम खाने वाले व्यक्ति की एमआरआई की रिपोर्ट में इस उम्र में एट्रोफिक चेंजेस आने चाहिए, सेरेब्रल एट्रोफी आनी चाहिए, लेकिन अगर आप देखोगे तो स्वामी जी के बोन्स में भी ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस नहीं आए। स्वामी जी की जो स्पाइन की एमआरआई कराई गई, इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो स्वामी जी की हड्डियां भी, उनमें ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस नहीं है। स्वामी जी के ब्रेन में सेरेब्रल एट्रोफिक चेंजेस नहीं है। स्वामी जी के ब्लड में किसी भी प्रकार के इम्प्यूरिटीज अथवा एबनॉर्मलिटीज नहीं है। तो जैसे कि ये वैद्य अमृत प्रजापति का कहना है कि स्वामी जी पिछले कई वर्षों से अफीम खा रहे हैं और मैं उन्हें बना बना कर अफीम से पंचेड़ बूटी नाम की बूटी देता था, तो मैं ये निवेदन करती हूँ कि उनकी ही जांच हो जाए। वो किस प्रकार के, वो ये जो जानकारी है पंचेड़ बूटी बनाने की, वो उन्होंने कहां से प्राप्त की, अफीम उन्होंने कहां से प्राप्त किया, और ये बना बना कर वो किसे देते आ रहे हैं और किसे अभी भी दे रहे हैं, इसकी जांच हो जाए और इसकी एक इन्वेस्टिगेशन भी किया जाए। ये मेरा मेरा अनुरोध है आप लोगों से। साजिश इतनी बढ़ती जा रही है कि असामाजिक तत्व 10 से 15 साल पुरानी बातें लेकर मैदान में कूदते जा रहे हैं। ये तो दुनिया भी साफ साफ समझ रही है कि अगर कोई घटना 12 साल पहले हुई हो या ना हुई हो, उसका जिक्र आज क्यों किया जा रहा है? Do you understand? You see, 13 years before, 12 years before, some incident happened, some lady comes and tells, will you believe that lady or a man who has given his whole life to the world? For that. You understand? 2002 they are saying. They all know very clearly it won't stand in the court. Because 2002, first of all, impossible for a woman to keep quiet for 11 years. 2013, now it is 2013. After 11 years they come out and file this false case. See, police also knows it won't stand in the court. And I tell you, they may not even file charge sheet on this case. जरा इनकी हास्यास्पद एफआईआर पर नजर डालते हैं। बड़ी बहन बताती है कि उसके साथ 2001 में तथाकथित घटना घटी थी। 2002 में उसकी छोटी बहन आश्रम में रहने आई थी। अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ हो तो क्या वो चाहेगी कि उसकी छोटी बहन के साथ भी ऐसा ही हो? कभी नहीं। सवाल उठता है
कि इस महिला ने अपनी छोटी बहन को आश्रम में आने से क्यों नहीं रोका। अगर वो सच कहने से डर रही थी तो वो कुछ भी बहाना बनाकर उसे आश्रम में आने से मना कर सकती थी, पर ऐसा उसने नहीं किया। आखिर क्यों? एफआईआर में उसने बात लिखी है, वो अगर सच होती तो इसे आश्रम छोड़ना अपेक्षित था, लेकिन लड़की आश्रम की वक्ता बनी, प्रवचन किया, मंच पर से हजारों भक्तों के सामने बापूजी के गुणगान गाती रही। गुरु विष्णु, विष्णु भगवान पालन करते, इसी तरह हमारे सद्गुरुदेव भी सभी भक्तों के हृदय में जो भक्ति देवी वास करती है, श्रद्धा देवी है, वो भक्ति और श्रद्धा का वो पालन करते हैं। गुरु भोलेनाथ है, साक्षात महेश्वर है, त्रिपुरारी है, त्रिपुरारी सृष्टि का संहार करते हैं, इसी तरह सद्गुरु भी भक्तों के हृदय में जो काम क्रोध अहंकार रूपी राक्षस है उनका संहार करते हैं। उनसे गुरु भगवान की वंदना करने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ जाते हैं। अगर दोनों बहनों के साथ बलात्कार हुआ तो क्या शादी के बाद उनके पतियों को भी इस बात का पता नहीं चला? और अगर पता चला तो ये बात 2013 तक क्यों छिपाई गई? मेरा सवाल ये है कि 2002-2004 में अगर हादसा हुआ है उन बच्चियों के साथ, तो अब तक चुप क्यों थी और अब बोल रही हैं तो क्यों बोल रही हैं? दूसरी बात, अगर उन्हें ये लगता है, वो एंकर बोल रहे थे कि मैडम वो डरी हुई थी इसलिए नहीं बोल रही थी, तो मैंने कहा फिर डर अब किसने निकाल दिया? तो बोले कि हम सब आवाज़ उठा रहे हैं इसलिए उठा दिया। तो मीडिया वाले तो 2008 में भी शुरू हो गए थे बापू के खिलाफ, तब भी तो वो सामने आ सकती थी, तब तो नहीं आई। दूसरी बात है कि अगर एक रेपिस्ट हैं बापू, अगर एक रेपिस्ट है नारायण साईं, तो इनके पास करोड़ों लोग साधक बन के क्यों आ रहे हैं? आरोपों का सिलसिला यूं ही चलता चला गया, कभी छेड़खानी, कभी बलात्कार, कभी मारपीट, तो कभी कुछ और घिनौने आरोप भी मढ़ दिए गए, जैसे पूरे देश में सिर्फ एक ही मुद्दा बचा हो। बट जरा मेरे सवाल का जवाब दे दिया जाए कि पिछले 20-25 दिनों से जिस तरीके से आसाराम के मसले पर स्टूडियो के अंदर तीन तीन चार चार पांच पर घंटे और तमाम जटाजूटधारी बाबाओं को बुलाकर, साइकोलॉजिस्ट को बुलाकर, सेक्सोलॉजिस्ट को बुलाकर जिस तरीके से चर्चा की जा रही है, क्या इस देश के अंदर सबसे बड़ी खबर वही है? क्या सेक्स को बेचने की कोशिश नहीं की जा रही है? और क्या मीडिया इसके लिए, अगर टेलीविजन चैनल अभिशप्त नहीं है और क्या वो गलती नहीं कर रहे हैं जी, हम उसे जस्टिफाई कब तक करते रहेंगे? कुछ मीडिया चैनलों में आसाराम बापू और नारायण साईं पर आरोप सिद्ध हुए बिना ही उन्हें गुनहगार मान लिया गया और उनको सजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने की व्यक्तिगत टिप्पणी भी कर दी गई। आपने आपने धमकी दिया नारायण साईं को, आपने धमकी दिया, मान लीजिए आपने धमकी दिया, धमकाने लायक है वो, आपने धमकाने लायक है, आपने कहा 24 घंटे लायक है, धमकाने लायक है ना? हां बिल्कुल, धमकाने लायक, देश जानता है कि आप बिल्कुल धमकाने लायक, देखो मान लिए, मान लिया मैंने, मान लिया। अगर अगर आसाराम जैसे मुजरिमों को पकड़वाने के लिए मुझे धमकी देनी पड़े, ब्लैकमेलिंग करनी पड़े तो मैं करूंगा, पूरे देश देख रहा है, आप मैं करूंगा। आज आपका फोन खुल गया। आरोप लगाने वालों का यहाँ भी पेट नहीं भरा, उन्होंने तो बापू के पूरे परिवार पर ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बापू के बेटे नारायण साईं, बेटी भारती बहन, पत्नी लक्ष्मी देवी को भी आरोपों के घेरे में ले ही लिया। कोई भी एक साधारण इंसान सोच के देखे कि ऐसा क्या कभी कोई पत्नी और बेटी कर सकती है? अपने पिता के लिए या अपने पति के लिए कभी भी कोई नहीं कर सकता। किसी का भी जमीर, अगर अपने अंतरात्मा से पूछेंगे, किसी का भी जमीर हाँ नहीं कहेगा इस बात के लिए। फिर भी हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जो भी न्याय आएगा सच्चाई के पक्ष में आएगा। संत आसाराम बापू के ऊपर एक के बाद एक जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हीं आरोपों का आज जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संत आसाराम बापू जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपसे सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा, पूज्य बापू जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? स्वामी जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। शादी के सात साल के बाद मेरे कोई छोड़ के गए तो दूसरों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उनके सानिध्य में लाखों करोड़ का जीवन उन्नत हो रहा है,
और हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा पूज्य बापूजी को किस रूप में आप मानती हैं? पहले पति रूप में मानती थी, अब उनको गुरु रूप में मानती हूँ। आरोप किया गया है कि बापूजी की धर्मपत्नी और बेटी लड़कियों को भेजने का काम करती थी, इस पर आपका क्या कहना है? तो आप सबको मानने में आएगा कि ये काम पत्नी और बेटी कर सकती है। आपकी बेटी भारती श्री पर जो आरोप लगे हैं, क्या वे सत्य हैं? वो सब झूठे ही आरोप हैं। उसके मेरे को उसके आचरण पे और संयम पे, संयम ही है उसके संग से, बहुत ही लड़कियां संयम ही हो जाती है, और मेरे को पूरा विश्वास है वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। पुलिस जांच में बताया गया कि आपने कबूल कर लिया कि आपकी बेटी भारती श्री बापूजी के लिए लड़कियां ले जाती थी और आप बापूजी से भी स्वयं बहुत परेशान रहती थी। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं और बेबुनियाद बातें हैं। जब किसी केस की बहस कोर्ट में होती है तो कई तरह के निराधार आरोप भी लगाए जाते हैं, जो कि बापूजी के विरोधी वकील ने भी लगाए और उन्हें पेडोफिलिया होने की संभावना जताई। परंतु मीडिया ने बापूजी को बदनाम करने के उद्देश्य से ये खबर फैलाई कि सरकारी वकील ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबिक वो पेडोफिलिया बीमारी से ग्रसित हैं। आइए दिखाते हैं आपको वास्तविकता क्या है। एक ऐसी बीमारी का मैंने कोर्ट को बताया था जिसमें ओल्ड एज में आदमी इन बच्चियों की तरफ अट्रैक्ट होता है, उस बीमारी का जहाँ मेडिकल साइंस में जिक्र है उसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन कोर्ट ने देखकर उसको नकार दिया था कि हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। मीडिया ट्रायल यही नहीं रुका, मीडिया ने बापू और उनके आश्रम से जुड़े गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। मीडिया ने जुलाई 2008 में आशाराम बापू के गुरुकुल के दो बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला भी उठाया। आरोप लगाया कि आश्रम तांत्रिक गतिविधियां होती हैं और इन्हीं तांत्रिक गतिविधियों की वजह से ही इन बच्चों की मौत हुई। और ऐसे ही न जाने कितनी खबरों को मसाला बनाकर घंटों तक चलाया गया, जबकि सच ये है कि सीआईडी ने क्लीन चिट देते हुए कहा कि आश्रम में कोई तांत्रिक गतिविधि नहीं होती। पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर ये कहा कि तांत्रिक गतिविधियों से बच्चे नहीं मारे जा सकते। क्या इतनी बड़ी अहम खबर पर अपने आप को निष्पक्ष कहने वाला मीडिया इस पर जरा सा नजर नहीं कर पाया? और उन्हीं दिनों बापू आशाराम के विरोध में मीडिया में कई अन्य चेहरे भी सामने आए, जैसे वैद्य अमृत प्रजापति, जो कि 18 सालों तक आश्रम में ही रहा। लेकिन इनसे ये किसी ने नहीं पूछा कि जब आश्रम में रहने लायक माहौल नहीं था तो फिर वो 18 सालों तक क्या करता रहा? 18 दिन या 18 महीनों में उस जगह को क्यों नहीं छोड़ दिया? दरअसल ये वैद्य आश्रम की दवाइयों में कई बार हेरा फेरी करते पकड़ा गया था और इसीलिए इसे आश्रम से निकाल दिया गया था। और इतना ही नहीं, इस वैद्य ने अपनी ही पत्नी को बुरखा पहनाकर एक प्रेस वार्ता करवाई जिसमें बुरखे वाली औरत ने बापू पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मीडिया ने घंटों तक इस खबर को उछाला, लेकिन 4 महीने के बाद हकीकत में जब ये बात झूठी साबित हुई तो मीडिया ने ये खबर दिखाने की जहमत तक नहीं उठाई और एक निर्दोष संत को फंसाने के लिए चंद पैसों में बिकने वाले इस हद तक गिर गए कि नारी जाति की गरिमा का भी इन्हें ख्याल नहीं आया। देखिए किस तरह इस धूर्त की पोल, इसी के गिरोह के संगीन षड्यंत्रकारी राजू चांदक के स्टिंग ऑपरेशन से खुली। क्या कोई अपनी पत्नी को इस तरह की बदनामी के दलदल में धकेलना चाहेगा? ऐसे में ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, खुद ही तय कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही षड्यंत्रकारियों में एक और नाम सामने आया था, महेंद्र चावला का, जिसने मीडिया में जोर शोर से कहा था कि आश्रम में तांत्रिक गतिविधियां चलती हैं। काली करतूतों में
ब्लैक मैजिक करते हुए उसको देखा, पहले मीडिया को बताया। उसके सेक्स स्कैंडल्स देखे, वो हमने पहले से हम मीडिया को बता चुके हैं। ये जालसाज बार बार मीडिया को सारी बातें बताई है, ऐसा क्यों कह रहा है? ब्लैक मैजिक करते हुए उसको देखा, पहले मीडिया को बताया। क्या मीडिया इस देश का न्यायतंत्र है? अगर इसके आरोपों में दम है तो न्यायपालिका के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाता है? लेकिन जस्टिस डीके त्रिवेदी कमीशन आयोग के सामने उसने खुद कबूला कि उसने आश्रम में कभी कोई तांत्रिक गतिविधि नहीं देखी। महेंद्र चावला को आश्रम से उसकी विकृत मानसिकता के चलते वहां से निकाल दिया गया था। राजू चांडक, इसे तो शायद उल्टा चलने का मानो शौक सा लग गया हो। एक स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ ये दिखाई दिया कि कैसे एक लड़की को बापू आशाराम के खिलाफ रेप का आरोप लगाने के लिए तैयार कर रहा हो, और इस खेल के लिए वो 5 लाख रुपए देने को तैयार भी नजर आया। वो इनसे पूछने वाला नहीं कि आश्रम के इन भगोड़ों के पास रिश्वत देने के लिए 5-5 लाख रुपए कहां से आए। मैंने इसमें टाइम ले लिया, टाइम में कोई काम नहीं था। हमारा भाई उतार में काम करता है, मैं उतार में नहीं काम करता। तो बहुत सोच समझ के एक एक कदम ठोक ठोक के 4 बजे मेरे जो है मिलने वाले जो जुडिशियरी में है, जो इस लाइन के महामहिम है, उनसे सलाह लेके एक कदम कदम के इसके भी केस में वो मेरे को पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक है? वो पूरी डिटेल स्टोरी वो देगा। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये सीडी सभी मीडिया ग्रुप्स को दी गई, लेकिन किसी को इसमें कोई खबर नहीं दिखाई पड़ी। क्या एक षड्यंत्रकारी को बेनकाब करना मीडिया की जिम्मेदारी नहीं थी? और इसी में राजू चांडक अपनी आगे की प्लानिंग बताता है। वो चाहता है कि आशाराम बापू को किसी तरह जेल हो जाए और ट्रस्ट के सारे आश्रमों पर वो कब्जा कर ले। आशाराम मर गया, ना कहीं चला गया, सुरेश कहीं अलग बैठा है, कोई अलग बैठा है, कोई आदमी है नहीं जो ट्रस्ट की लिस्ट में था, तो क्या करोगे? पूरा हो जाएगा। और ये वही राजू चांडक है जिसने 5 दिसंबर 2009 को अपने ऊपर गोली चलवा ली और आरोप सीधे सीधे आश्रमवासी गजानन पर मर दिए। हालांकि जांच पड़ताल में ये सारे आरोप झूठे पाए गए। ठगों की टोली का एक और नाम ब्रज बिहारी गुप्ता उर्फ भोलानंद, जो कि अपनी ही मां को निर्वस्त करके पीटता है और बापू के खिलाफ जबरन बलात्कार की FIR लिखवाने के लिए धमकाता है। अपनी जन्मदात्री मां को इस तरह सताने वाला शख्स मानव नहीं, पशु नहीं, बल्कि हैवान ही कहा जा सकता है। इस भोलानंद का भंडाफोड़ जम्मू के भगवती नगर में रहने वाले एक युवक विक्रांत शर्मा ने किया, जिसको ये शख्स कुछ पैसे का लालच देकर आश्रम में मरे हुए बच्चों का नरकंकाल गाड़ने के लिए कह रहा था। भोलानंद को काफी देर से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जी मुझे कह रहा था कि तुम कब्रिस्तान से 2-3 कंकाल निकाल के आश्रम बापू जी के जम्मू आश्रम में दफना दो, गाड़ दो। इससे क्या होगा, वो जो सरकार है वो बापू जी को जेल से बाहर नहीं आने देगी। तो मैंने आम जैसे अपना देश का एक नागरिक होने के नाते मैंने जब ये चीज़ सोची सीधा मैं पुलिस को जाके ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। इसकी काली करतूतों का खुलासा होने के बाद भोलानंद एकाएक फरार हो गया और जम्मू पुलिस ने भोलानंद के खिलाफ 120B, 194, 211, 295, 295A/383 और 195A के तहत अपराध करने की साजिश रचने, अपराध के लिए दूसरों को उकसाने और धर्म स्थानों को नुकसान पहुंचाने के लिए मामला दर्ज किया है। जी हां, जब भी बापूजी पर आरोप लगते हैं तब तब ये दलाल मीडिया
आश्रम से बगावत कर निकले 4-6 भाड़े के चट्टुओं को सामने बिठाकर खूब बहसबाजी करती है और इतने कुप्रचार के बावजूद भी बापूजी के सत्संग में खिंचती साधकों की भीड़ साधारण व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कोई तो बात है। प्रश्न ये है कि क्या मीडिया घराने में बैठे और खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग क्या कभी लाखों करोड़ों साधकों से पूछने की फुर्सत उन्हें नहीं मिली कि आखिर बापूजी के सत्संग से उन्हें क्या लाभ हुआ? तांतु तले उंगलियां दबा लेने वाले हजारों भक्तों के अनुभव बताने के लिए क्या उनको आधे घंटे का वक्त नहीं मिला? उत्तर स्पष्ट है, यही भक्तों की भीड़, धर्म और गुरु के प्रति आस्था इनकी आंखों की किरकिरी बन गई थी, क्योंकि इसी सनातन आस्था ने मीडिया के कुप्रचार के पुरजोर प्रयास को तोड़ कर रख दिया था और ये उन्हें सहन होता भी तो कब तक। जी हाँ, मीडिया की शर्मनाक हरकतें सिर्फ यही नहीं रुकी। बापूजी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सभी चैनल और अखबारों ने मानो आश्रम पर धावा बोल दिया हो। बापू के आश्रमों के बारे में इस तरह परोसा गया मानो आश्रम कोई बियर बार या फिर अय्याशी का अड्डा बन गया हो और इन्हें बंद किया जाए। अवैध कब्जे से लेकर जबरदस्ती जमीन हड़पने तक के सारे बेबुनियाद आरोप लगाकर लोगों में आक्रोश पैदा करने की एक कोशिश की गई। सरकारी तंत्र को तो मानो इन्होंने अपनी जेब में रख लिया हो और खुद को ही सर्वे सर्वा मान लिया हो। क्या कभी इन बड़बोलों ने आश्रम जाकर वहां की शांति को अनुभव किया? पीपल, नीम, वटवृक्ष और तुलसी की शुद्ध हवा से युक्त गौधूप के वातावरण में स्वतः होने वाले आध्यात्मिक विकास एवं शारीरिक रोगों से मुक्त होने का नुस्खा आजमाया? क्या कभी आश्रम द्वारा प्रेरित विभिन्न सेवाओं में निस्वार्थ भाव से समाज के उत्थान में हाथ बटाया? कभी नहीं। अगर ऐसा रत्ती भर भी किया होता तो ऐसे महापुरुष के बारे में अनर्गल बोलने या फिर लिखने से पहले तथ्यों की जांच जरूर होती है। जी हाँ, हकीकत ये है कि मीडिया अपने ही जाल में खुद फंस चुका है। कई सालों से जमीनों पर कब्जे करने और आश्रम सील करने की बात कही गई, लेकिन आज तक कोई भी मामला सिद्ध करके नहीं दिखाया गया। 425 आश्रमों में से सिर्फ 2 या 3 आश्रमों की बाउंड्री की सीमाओं का सही आकलन न होने के कारण कुछ हिस्से हटा दिए गए। नासिक आश्रम की दीवार सरकारी रोड बनाने के लिए हटाई गई और इन्हीं कुछ दृश्यों को दिखाकर जनता को खूब गुमराह किया गया कि आश्रम सील कर दिए गए। सिर्फ संत आसाराम ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के रखवालों पर इन षड्यंत्रकारियों की कुदृष्टि पड़ती ही रही है। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को भी 2004 में बड़ी ही बर्बरता पूर्वक जेल में ठूंस दिया गया। तब बापूजी से यह अत्याचार सहन नहीं हुआ और बापू भी मैदान में कूद पड़े। उस वक्त बापू ने जंतर मंतर पर अनशन भी किया था। हम जनता से अपील करते हैं कि ऐसे लालची और 2 पैसों के अखबार और चैनलों से सावधान रहें, ये आपको गुमराह करने की गंदी साजिश है। आसाराम जी, बापू के लिए इस समय जो मैटर चल रहा है, रादर जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसको किस तरीके से प्री प्लान किया गया है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को रखते हुए, ये एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। टॉपिक ऑफ कॉन्स्पिरेसी, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, ये हमारे देश के इस समय ज्वलंत समस्या है और इसी को इन लोगों ने मेन टॉपिक ऑफ अटैक बनाया है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर कोई बहुत बुरी तरीके से आहत है और इसे तुरंत रिएक्ट करके इसका विरोध दर्शाना हर कोई बहुत जरूरी और आसान समझ रहा है। जब भी कोई इस तरह का मैटर प्लान किया जाता है तो उसमें कन्विंसिंग, पर्सुएडिंग, इन्फ्लुएंसिंग जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से आपके सामने तथ्यों को रखते हैं, वो टोटली आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद में यहाँ पर एक और पॉइंट है, कंज्यूमर साइकोलॉजी। ये हम लोग जानते हैं कि जैसे हमें कोई एड हम देखते हैं किसी प्रोडक्ट की पहली बार, हमें वो बहुत अजीब सी लगती है, कुछ ऊटपटांग लगती है, नहीं पसंद आती है। लेकिन जब हम रेगुलर बार बार उसे देखते रहते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम उस एड को गुनगुनाने लगे हैं। ये असर है आपके ऊपर में कंटिन्यूअसली साइकोलॉजिकल प्रेशर का, उसका अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो आपके ऊपर में अटैक किया जा रहा है, ये उसका प्रभाव है। वही चीज यहाँ पर ये इस मैटर में भी यूज की जा रही है। इसमें डोमिनेटिंग अप्रोच के साथ में सारे मैटर को प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप देखते हैं तो जो भी एंकर्स होते हैं टीवी पेड मीडिया चैनल्स के जो होते हैं, जब आपके सामने बोलते हैं तो
तो आप उनकी बात करने के तरीके को देखिए, वो आपके ऊपर हावी होके बात करना चाहते हैं, वो जस्ट एक रिपोर्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं लगता है, बल्कि वो आपको किसी भी तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं, कन्विंस कराना चाहते हैं, इस डोमिनेटिंग टोन में वो बोलते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी, वही बात है कि बार 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 वो उसी चीज को रिपीट करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का जो पिक्चर होता है या जो बात होती है उसको बार बार दिखाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखाते हैं, जो कि हमें ऐसे प्रभावित करते रहती है कि शायद ये सच तो नहीं। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है लैंग्वेज। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मार्क किया होगा, जो पेड मीडिया चैनल्स है जो थोड़ी सी न्यूज को बहुत ही एक्टिवेटेड तरीके से बताते हैं, वो वर्ड्स कैसे यूज करते हैं कि संगीन, वारदात, गिरोह, बड़ा खुलासा, इस तरह के जब वो मैटर्स यूज करते हैं, जब अब इसमें थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, अगर मुझे बोलना है कि इस मैटर का पता चला और इस मैटर का बड़ा खुलासा, अगर मैं बोलूंगी कि ये बात गंभीर है और कोई बोलेगा कि ये एक संगीन मामला है, कोई बोलेगा कि यहाँ पर पूछताछ हुई और कोई बोलेगा कि यहाँ पर छापा पड़ा, बराबर हमें डिफरेंस दिखता है, तुरंत हमें पता चलता है कि अगर हम गंभीर सिंपल ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तो हमें वो एक नॉर्मल चीज लगती है, वेरिन जब हम वारदात, गिरोह, संगीन, इस तरीके की एक बड़ा खुलासा, इस तरीके के वर्ड जब यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि ये कोई क्रिमिनल चीजों से रिलेटेड न्यूज है। मेकिंग बेसलेस स्टोरीज, स्टिंग ऑपरेशंस एंड एसोसिएटेड पॉइंट्स। ऑल ऑफ ए सडन कोई स्टिंग ऑपरेशन आ जाता है, ऑल ऑफ ए सडन ये पता चलता है कि बापू जी के आश्रम में अफीम की खेती होती है, दिस इज ऑल सिली, इसका कोई बेस ही नहीं है, लेकिन बापू जी के इस पूरे मैटर को और भी ज्यादा स्पाइसी बनाने के लिए, इस मैटर को और भी ज्यादा खींचतान के कुछ और लाग लपड़ लगा के बताने के लिए सब बेसलेस स्टोरीज बनाई जाती हैं, स्टिंग ऑपरेशंस बनाए जाते हैं। इसके बाद में आप हम समझेंगे यहाँ पर मेजर टूल्स, टेक्नोलॉजी का बहुत हैवी यूज है फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे क्लिपिंग्स जो होती है वो तोड़ मरोड़ के बनाई जाती हैं, इसमें हैवी टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज की जाती है कि कभी हम देखते हैं कि बापू की आवाज में कोई फोन रिकॉर्डिंग टैप की भी दिखाती है, वो सब कुछ मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा किन लोगों का यूज किया जा रहा है, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी पॉपुलेशन हमारे समाज की जो वीकर मेंटालिटी के साथ में है, जो नेगेटिव माइंडसेट के साथ में रहती है, जो कि इजीली किसी के प्रलोभनों में आ जाती है, या तो वो डर के बोलती है या वो किसी के प्रलोभन में आके बोलती है, उन लोगों को टारगेट बना के यहाँ पर सामने लाया जा रहा है, उनसे इल्जाम लगवाए जा रहे हैं जो कि टोटली फॉल्स है, जिनका कोई आज तक सबूत नहीं मिला है और जिनका कोई बेसिस ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी जो कोशिश की जा रही है फ्रेंड्स, वो ये है कि जो लोग आरोप लगाएं, वो भरसक कोशिश हो कि बापू के साधक परिवार में से हो, क्योंकि जैसे ही कोई आरोपी बापू का साधक रह चुका है ये बोलता है, तो उसकी रिलायबिलिटी क्वेश्चन अपने आप ही बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो दो तीन चार लोग हैं जो बापू के अगेंस्ट हो गए, कुछ बहुत ही जेन्युइन रीजंस से, उन लोगों को यहाँ पर टारगेट बनाया गया है और उन लोगों को यहाँ पर यूज किया गया है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को सामने लाने के लिए। क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल एटमॉस्फियर, क्या हो जाता है जिस भी समय बापूजी की बेल होने वाली रहती है, जिस भी बेल की सुनवाई होने वाली रहती है, जस्ट उसके पहले दिन हमें न्यूज मिलती है कि धमकियां मिल रही है, कहीं से हमें न्यूज मिलती है कि कंप्लेन आई है कि जान से मारने की धमकी मिल रही है पेरेंट्स को एंड लड़की को, व्हाट इज दिस, कभी भी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, और ये कैसे हो सकता है कि जस्ट उस दिन के पहले ही ये होगा। तो इसीलिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, और अगर इस पूरे मैटर को आप इन पॉइंट्स के साथ में समझते हैं तो दिस इज अपेरेंटली अ कॉन्स्पिरेसी। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि इट इज नॉट ओनली द पेड मीडिया चैनल्स हु आर डेंजरस, बट इट इज इक्वली द प्रिंट मीडिया विच इज क्रिएटिंग सो मेनी इम्पैक्ट, सो मेनी इन्फ्लुएंसेस नेगेटिवली, एंड वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ बोथ पेड मीडिया चैनल्स एज वेल एज प्रिंट मीडिया। बापूजी पिछले 50 सालों से समाज, संस्कृति और देश के उत्थान में अहम योगदान दे रहे हैं।
बापूजी देश के पहले ऐसे संत हैं जिनका बहुत बड़ा जनाधार है और जो धड़ल्ले से भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का पूरे विश्व में खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं। भारत की कन्याएं, भारत की माया, भारत के भाई लोग, आप सज्जन तो रहो लेकिन आपके ऊपर दूसरा कोई जुलम करे तो वो भी क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आपस में संगठित रहो, हिंदू हिंदू लड़ोगे तो दूसरे लोग अपना खून पी रहे। पिछले 50 सालों से बापूजी ने घूम घूम कर पूरे विश्व में सनातन धर्म का शंखनाद किया है। बापूजी ने सतत यही कोशिश की कि भारत देश की संस्कृति ठीक वैसे ही पनप उठे जैसे मैकाले के इस देश में आगमन से पहले पनपती थी। मैकाले जब भारत भ्रमण के लिए आया तो इस देश की संस्कृति व यहाँ के लोगों के संस्कारों को देखकर हैरान रह गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले ने साफ कहा, पूरे भारत में एक भी असंतुष्ट और एक भी चोर नहीं देखा। ऐसे देश पर विजय पाने के लिए वहाँ की शिक्षा पद्धति, संस्कार व संस्कृति को सबसे पहले कुचलना होगा। मैकाले के सुझाव पर ही हमारे देश में कई बदलाव बड़ी तेजी से होने लगे और हम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आस्तिक तौर पर अंग्रेजों के गुलाम होते चले गए। हमारे नेताओं ने जी तोड़ कोशिश कर हमें अंग्रेजों के चंगुल से निकाल कर आजाद तो कर दिया लेकिन हमारी सोच और समझ पर अंग्रेजों का कब्जा गहरा होता गया। संत आसाराम बापू ने इस दिशा में सक्रियता दिखानी शुरू की और हमारे संस्कार और संस्कृति की जननी भारतीय शिक्षा प्रणाली को जिंदा रखने के लिए गुरुकुल की शुरुआत कर डाली। समूचे देश में उनके गुरुकुलों की डिमांड बढ़ती गई। छोटी राशि लेकर संस्कारवान और संस्कृति के धनी बनाने वाले इन गुरुकुलों के आगे अब महंगी फीस ऐंठने वाले विदेशी सिस्टम के स्कूल कॉलेज पीके पढ़ने लगे हैं। ऐसे में दुश्मनों का पनपना लाजमी है। विश्व भर में फैले करोड़ों साधकों ने बापूजी के एक इशारे पर कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दिया। कई साधकों ने तो शराब, सिगरेट, पान मसाले से खुद को कोसों दूर कर लिया। तो समझा कर मैं आपको कहूं कि आज के बाद आप पान मसाले की गंदगी अपने मुंह में डालने को राजी होंगे क्या? आप तो समझदार हैं, तो आप तुरंत ना बोलेंगे और पान मसाला छोड़ने के लिए अब मैं कहूंगा तो आप हजारों हाथ ऊपर उठाएंगे। बिल्कुल अभी मैं दिखा सकता हूं। जो पान मसाले की गंदगी अपने मुंह में नहीं लाना चाहता और आज से इस गंदगी से बचना चाहता है वो सज्जन हिम्मत करके हाथ ऊपर करे। गिन लो हाथ, हाथ ऊपर करो और गिनो हाथ, हजारों हाथ आ गए। हाथ ऊपर रखना, मैं शंख बजाता हूँ, आपका आज से नया जीवन। पान मसाला गया। सारे देश की जनता में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अगर किसी संत के तो आशाराम जी महाराज के हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इंदौर में जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के उन्होंने शराब छुड़वाई है, उनका मांस छुड़वाया, लोगों को सही रास्ते पे लाए। आप में ताकत है क्या, मेरे में ताकत है कि मैं किसी की शराब छुड़वा सकूं? मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताना चाहता हूं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे। और ये सारा जो कुछ हो रहा है सबके खिलाफ, उसके पीछे का ये निर्णायक कारण है। क्या है? देखिए, बापूजी के 50 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे, 74 साल हो गए हैं, 75वां वर्ष चल रहा है। और इस पूरे आध्यात्मिक काम में इतने सालों में अगर मैं ये कहूं कि 1 करोड़ भक्त भी 75, मतलब इतने हम ये कहें कि इफेक्टिवली संख्या तो 2 करोड़ से ज्यादा की होगी, एग्जैक्ट भक्तों की, शिष्यों की 4 करोड़, तो 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक, हम आंकड़े कम ज्यादा करके, क्योंकि हम कम इसलिए करना चाहते कि कोई कहे नहीं बढ़ावा है, मैं कहता हूं कि 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक अगर शराब नहीं पीते हैं तो इसका आंकड़ा होता है 18,82,000 करोड़ रुपए। क्या होता है? इतने पैसे बचे हैं, इतने पैसे बापूजी ने केवल शराब से बचाए हैं। अगर हम सिगरेट का आंकड़ा निकाले तो यह सिगरेट का आंकड़ा भी जाता है
11,36,000 रुपए। अगर हम घुटके का आंकड़ा निकाले, हम अगर डांस बार जाने से जिनके कदम बापूजी के संस्कार से रुके उनके आंकड़े निकाले, और जिस ब्रह्मचार्य का संदेश बापूजी ने दिया, माता बहने माफ करे लेकिन उल्लेख करना जरूरी है कि एक बच्चा अगर 5 साल देरी से शारीरिक संबंध बनाता है तो इस कारण इन कंपनियों का लाखों करोड़ रुपए कंडोम बनाने वाले कंपनियों का नुकसान होता है। इन सारे आंकड़ों को मैं अभी जोड़ रहा था तो ये आंकड़े कई लाख खरब में जा रहे हैं। तो इतने खरब रुपए बापूजी ने जिन कंपनियों का नुकसान किया है उनके लिए कुछ हजार करोड़ रुपए उनके खिलाफ लगाना कौन सी बड़ी बात है? इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र यह है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बेचारे इमोशनल होते हैं, उनको क्या पता कि बापूजी को बदनाम करने के लिए कंपनियों को पैसे लगाने की क्या जरूरत है। ये जरूरत है क्योंकि बापूजी अब और शक्तिशाली होते जा रहे हैं, उनका भक्त परिवार और बढ़ता जा रहा है, विपरीत स्थिति में भी बढ़ता जा रहा है, और ये जो करोड़ों खरबों मतलब अगर मैं शून्य लगाने को कहूं तो शायद हम में से कोई नहीं लगा पाएगा। इतने अब तक जो बचाए हैं, अगले आने वाले 5 साल में बापूजी इतना आंकड़ा अगर बचा लेते हैं तो अमेरिके का 1 साल का बजट खराब होता है, 1 साल का बजट अकेले अमेरिका का। यूरोप के देशों की अगर संख्या निकाले तो बापूजी का केवल एक किसी विषय की नशा मुक्ति करवाना यूरोप के देशों का 1 साल का बजट खराब होता है, और उनका तो उनका काम ही है, उनके लिए दुनिया बाजार है लेकिन हमारे लिए दुनिया संसार है। ये हम दोनों के बीच के सोच का फर्क है, और इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये अर्थशास्त्र हमको समझना जरूरी है, ये इसके पीछे का कारण है। जाहिर है इन सब से कई मल्टीनेशनल कंपनियों की जेबें हल्की हुई होंगी और उन्हें बापू किसी दुश्मन से कम नहीं लगते होंगे। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को विश्व भर में फैले बापूजी के करोड़ों साधकों ने मातृ पितृ पूजन दिवस यानी पेरेंट्स वर्शिप डे के तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया है, ताकि युवा पीढ़ी माता पिता का आशीर्वाद लेकर खुद को ओजस्वी तेजस्वी बनाए, न कि भोग विलासिता में पड़कर खुद को निस्तेज और दुर्बल बनाए। कोई भी इंसान वो अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं बन सकता जब तक अपने माँ बाप का सेवा ना करे। तो ये एक मैं अपनी लाइफ को देके बता रहा हूँ, मैंने अपने माँ बाप को मरते दम तक राजा रानी की तरह रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि उनका आशीर्वाद हमको आगे तक लेके जाएगा। सो यू हैव टू प्रॉमिस टुडे, मदर्स डे फादर्स डे करने से कुछ नहीं होता है, माँ बाप को पूजा करने का एक दिन होना चाहिए। वैलेंटाइन डे अपने माता पिता के साथ मनाएंगे तो काफ़ी अच्छा उनको लगेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक माता पिता एक ऐसे दो इंसान होते हैं कि आप कितना भी खराब करें कितना भी अच्छा करें वो आपको हमेशा उसी प्रेम और उसी प्रभाव से मिलेंगे। ऑब्वियसली कि अगर आपके पास माता पिता का आशीर्वाद है तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। दूसरा, युवक युवतियाँ वैलेंटाइन डे की गंदी प्रथा से बाज आएँ और मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। ये झूठी परंपरा मनाने वालों की दुर्दशा से हमारा हृदय व्यथित होता है, लाखों का हृदय व्यथित होता है। तो देर सवेर ये गंदी परंपरा हमारे भारत से तो जाए, लेकिन हम तो चाहते हैं, कोई ईसाई नहीं चाहता कि हमारी छोरी लोफरों के हाथ आए, हमारे छोरे लोफर बन जाए और बुढ़ापे में हम नर्सिंग होम में पड़े रहें, कोई ईसाई नहीं चाहता। कोई मुसलमान नहीं चाहता कि हमारी छोरी पढ़ते समय कुंवारी कन्या किसी हवस के शिकार ये छोरों के हाथ जाए। कोई पारसी नहीं चाहता, हिंदू तो चाहेंगे कैसे। इसलिए ये मानव मात्र के कल्याण का उद्देश्य रखकर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए। बच्चा पिता का पूजन करे, बच्ची माँ का पूजन करे, तिलक करे, प्रदक्षिणा करे, और माँ बाप बच्चों को तिलक करे और हृदय से लगाए। ऐसे कई सारे दैवीय कार्य जिससे सनातन संस्कृति पुनः स्थापित हो, देश के युवा सशक्त हो, हर नागरिक जागरूक हो और पाश्चात्य अंधानुकरण जैसे शराब सिगरेट एवं अश्लीलता आदि को त्याग कर संयम के रास्ते चलकर भारत को
पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करने की कोशिश बापू ने की। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में विदेशी ताकतें धर्म एवं आस्था को नीचा दिखाकर उसे जमींदोज करने का भरसक प्रयास कर रही हैं, क्योंकि उन्हें सनातन संस्कृति की विशालता एवं संयम की शक्ति के ज्ञान से डर लग रहा है। हजारों विदेशी दार्शनिकों एवं महानुभावों ने श्रीमद् भागवत गीता एवं ओमकार मंत्र की महिमा को सराहा है, लेकिन दुख की बात है कि भारतीय इसकी महिमा से अनजान पाश्चात्य संस्कृति में लिप्त हो इस दिव्य संस्कृति का संरक्षण छोड़ इसके ऊपर हो रहे प्रहार को मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। समाज और देश की सेवा में बापू के सेवा कार्यों की गिनती ही मुश्किल है। देखते हैं एक झलक। गौ रक्षा, गौ सेवा में बापूजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई गौशालाओं के द्वारा हजारों गौ माताओं की सेवा सुचारू रूप से चल रही है। बापू की दिवाली कई गरीब इलाकों में मनती है। यहाँ बापू अपनी टीम के साथ पहुंचकर उन आदिवासियों को राशन, भोजन, कपड़े, कंबल, बर्तन और दक्षिणा के साथ साथ भगवान नाम जप का प्रसाद भी देते आए हैं। 1500 से ज्यादा समितियों के माध्यम से कई आदिवासी क्षेत्रों में भजन करो, भोजन एवं दक्षिणा पाओ के तहत हजारों लोगों के लिए लंबे अरसे से दैनिक रोजगार योजना चलाई जा रही है। 17,000 से ज्यादा बाल संस्कारों द्वारा बच्चों में योग, ध्यान आदि के सुसंस्कार दिए जा रहे हैं। हाल ही में केदारनाथ मंदिर में प्रकृति के महाप्रलय की खबरें आई थी, तो बापूजी ने अपने सेवादारों को तन मन धन से सेवा करने के लिए भेजा। उन सेवादारों ने अपनी जान की परवाह किए बिना वहां फंसे लोगों की पूरी तरह से सेवा की। ऐसे ही नहीं, बापूजी करोड़ों लोगों के ध्येय बने हैं। करोड़ों लोग सारी सुख सुविधाएं त्याग कर घंटों बापूजी को सुनने व निहारने के लिए जो जमीन पर बैठे रहते हैं, तो कुछ तो बात जरूर होगी। क्या कभी मीडिया ने एक संत के इन दैवीय कार्यों को देश की जनता के सामने पेश किया? कभी नहीं। मगर क्यों? क्या कभी आपने इन बिकाऊ न्यूज चैनलों और अखबारों पर कोई धर्म, आस्था एवं संस्कार की खबरें देखी हैं और इन पर हो रहे प्रहार पर विदेशियों के खिलाफ मसाला परोसते देखा है? अरे इन बेईमानों और आस्था के कसाईयों से हम किस धर्म और कौन से संस्कार की अपेक्षा करेंगे, जिन्हें 75 वर्षीय सम्मानित संत का नाम लेने का भी लहजा नहीं है। किसी ने कहा कि ये मीडिया वाले बापूजी को समझते क्यों नहीं, तो मैंने कहा जो बाप को नहीं समझ सकते वो बापूजी को कैसे समझेंगे? क्योंकि बाप समझने के लिए भी भारतीय संस्कृति चाहिए, भारतीय शिक्षा चाहिए, भारतीय संस्कार चाहिए, भारतीय माँ चाहिए, भारतीय सब कुछ भारतीय चाहिए। आज बहुत से लोग तो वहां पढ़ के आए हैं जिनको भारत कहना ही नहीं आता, वो केवल इंडिया ही कह सकते हैं और हिंदुस्तान कहने की तो उनमें हिम्मत ही नहीं है, इसलिए वो कैसे बापूजी को पहचानेंगे? 200 सालों से बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत भोले भाले हिंदुस्तानियों को सनातन धर्म से इस तरह दूर किया जा रहा है कि 80% लोगों को 24 घंटे में से 10 मिनट भी भगवान की प्रार्थना तक के लिए वक्त नहीं निकल पाता। कमाओ, खाओ और पियो की पद्धति ने जीवन को नीरस और दिशाहीन बना दिया है। मीडिया के प्रचार से पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई है कि भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति से भी घृणा होने लगी है। अश्लीलता तो लगभग हर चैनल पर आसानी से परोसी जा रही है। बड़ी ध्यान देने वाली बात है, कुसंस्कार और अश्लीलता फैलाने वाली महिला को सरकार एक दिन में वीजा दे देती है और मीडिया उसे देवी की तरह पूजता है। ये नारी आजकल बॉलीवुड में धूम मचा रही है। वहीं सालों से योग के जरिए लाखों लोगों को लाभ पहुंचा रहे
योग गुरु स्वामी रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को महज पासपोर्ट के आधार पर जेल में डाल दिया गया। तब कहां मर गई थी न्यायमूर्ति मीडिया? क्यों नहीं सरकार पर इस मुद्दे पर दबाव बनाया गया? मीडिया किस हद तक गिर चुका है ये हम नहीं बल्कि स्वयं प्रेस काउंसिल अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू के शब्दों में जब उनसे भारतीय मीडिया के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, Are you disappointed by the media? Very disappointed. And therefore, do you have a low opinion of the media? I have a poor opinion about the media. And you really mean this? I mean this. They should be working for the interests of the people. They are not working for the interests of the people. And sometimes they are positively working in an anti-people manner. Justice Kogge the, Madhya Pradesh High Court ke judge. Unko transfer kiya gaya Rajasthan High Court. Kin karanvash, main kehna nahi chahunga. Wo bhi keh dijiye, Justice Kogge Himachal ke governor bane the baad mein. Main kehna chahunga, main apne hisab se kahunga na. Fir aap adhura sach bata rahe hain na, Justice Kogge. Aisa hai, agar aapko aarop lagana hai, to ye... Main aarop nahi laga. Nahi, ye laga rahe ho, aap interview khatam kar diye. Agar is tarah ki aap misbehave karenge... Main aarop nahi laga raha. Agar aapko misbehave karna hai interview mein, to main is ye tolerate karne ke liye taiyar nahi. Aapko agar interview leni hai, zara behave karke interview lijiye. प्लीज स्टॉप इट। मैं सिर्फ एक सवाल नहीं, सवाल नहीं करने, आप ये कि आधा सच आधा झूठ इस तरह की बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, आपको नहीं लेना, छोड़िए। क्या नहीं, नहीं मैं तो आपसे, आपने आरोप लगाया इसलिए मैंने कहा। नहीं, आप प्लीज या तो बिहेव करिए, सीखिए बिहेव करना। यू आर मच यंगर देन मी, यू शुड लर्न हाउ टू बिहेव। यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन एन इंटरव्यू। आधा नहीं, आपने कहा कि आप आधा सच बोल रहे हैं, ये मेरे आरोप है, कम से कम मैं मानता हूँ आरोप। माफ करते हैं, थोड़ी ये इंटरव्यू नहीं होगी। कि ये बिका हुआ मीडिया है, मीडिया जन विरोधी आपराधिक वृत्तियों को बढ़ावा देने वाला और लोगों को बांटने वाला है। यहाँ तक कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह का भी मीडिया के प्रति यही रवैया रहा। सेना के पहले ऐसे जनरल हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है कि आप राजनेताओं के और खासकर रक्षा मंत्री की जासूसी करा रहे हैं। देखिए, आरोप जो है, जो आप बोल रहे हैं, बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही अयुक्ति संगत है। मीडिया के अंदर एक चीज चलाई गई, एक मनगढ़ंत कहानी चलाई गई, सिर्फ इसलिए चलाई गई कि छवि को धूमिल किया जाए, आपके ऊपर कीचड़ फेंका जाए, और इसको इस तरीके से चलाया गया कि इसके अंदर कुछ लोग शामिल हुए, कुछ मीडिया के पास गए, चाहे उनको पैसे दिए, क्या दिया उनको, लेकिन उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश। और तो और, जिंदल ग्रुप के द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में खुद मीडिया घराने के दो वरिष्ठ पत्रकारों ने खुद ये बात कबूली कि पूरा मीडिया घराना बिक चुका है। मतलब सारे न्यूज़ चैनल, ऑल मीडिया इज कंप्लीटली सोल्ड इन दिस कंट्री। मतलब सारे न्यूज़ चैनल, ऑल मीडिया इज कंप्लीटली सोल्ड इन दिस कंट्री। और अब हद कहां तक इनकी जाकर खत्म होगी और किस हद तक ये गिरेंगे, अपने आप से सवाल। परिणाम ये होगा कि अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी, अगर ऐसी लड़ाई अकेली कभी बापू की है, कभी श्री श्री की है, कभी रामदेव बाबा की है, कभी जयेंद्र सरस्वती की है, ऐसा कहकर अगर हम छोड़ते जाएंगे, अकेले वो लड़ते जाएंगे, और अगर हम इनको अकेले एक साथ आकर नहीं लड़ेंगे, तो क्या होगा? आने वाले दिनों में ऐसे अत्याचारी मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए शिवाजी तैयार नहीं होगा, क्योंकि रामदास नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आए। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि रामदास नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आएगा, यह सबसे बड़ा नुकसान होगा। फिर इस देश को गुलाम बनाना सबसे आसान रहेगा, जो पिछले 1200 सालों में संभव नहीं हुआ वो आने वाले 10 सालों में दिख रहा है, और उस 10 सालों में इस देश को गुलाम बनाने से रोकने में सबसे जो बड़ी शक्तियां है वो आसाराम बापू जी है, रामदेव बाबा जी है, श्री श्री रविशंकर है, जयेंद्र सरस्वती है, ऐसे साधु संत हैं, और जिस कारण ये सबसे ज्यादा टारगेट पर है। ऐसे में हम लोगों ने साथ देना जरूरी है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तो माफ करने की है, और हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए सजा देने की। अब उपाय क्या हो सकता है? उपाय यह हो सकता है, अच्छा एक, आप सब कहेंगे कि आपने सारे देश की बातें बताई, व्यक्तिगत इसमें क्या है?
तो व्यक्तिगत एक सबसे बड़ा नुकसान है। व्यक्ति अगर संस्कारित नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा, और क्राइम केवल व्यक्तिगत नहीं बढ़ेगा तो सोशल क्राइम बढ़ेगा, सामाजिक क्राइम बढ़ेगा। हमारी बहनें और माताएं सुरक्षित नहीं रहेगी, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, यह भी एक बड़ा परिणाम है। ऐसे में अगर उपाय की दिशा में जाएं तो मैं ये कहूंगा कि ये सारे चैनल दो कारणों से ऐसा करते हैं। एक तो बड़ा कारण है स्पॉन्सरशिप, दूसरा कारण है इनकी टीआरपी, क्योंकि बापूजी के खिलाफ जब ऐसी न्यूज चलती है तो लोग एंटरटेनमेंट चैनल नहीं देखते, उनकी टीआरपी शिफ्ट होकर न्यूज चैनलों की तरफ चली जाती है, इसलिए न्यूज चैनलों की टीआरपी बढ़ती है। तो एक आसान काम है, बापूजी केवल अपने करोड़ों भक्तों को आदेश दें कि जब भी ऐसी न्यूज शुरू हो जाए वो चैनलों को ऑफ करें। जैसे ही चैनल ऑफ हो गया, 6 करोड़ टीवी अगर इस देश के बंद हो गए तो सारे भोकने वाले बंद हो गए। बहुत सिंपल उपाय, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करने की जरूरत। इसका मतलब केवल इतना नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ करना है तो यह करना है, उसके बाद बाकी चीजें करनी है। उसके दूसरा, सोशल मीडिया में ऐसे चैनलों के जो पेजेस है उसको डिसलाइक करें, अपने आप को उससे डिसोसिएट करें, उस पर अपनी बातों को रखें। हम जानते हैं कि मीडिया तो बस एक मुखौटा है जिसे विदेशी ताकतें और एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन मीडिया में काम करने वाले तो हमारी भारत माँ के सपूत हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि सत्य और धर्म में ताकत होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। चंद प्रलोभन के कारण मिली ताकत का दुरुपयोग कर अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की जंजीरों में न जकड़ें। शक्कर खिला शक्कर मिले, चक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। विभिन्न रंग, व्रत, त्योहार एवं मानव जीवन की हर बारीकियों को सवारती भारतीय संस्कृति अनादिकाल से किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं भगवान द्वारा रचित है। इसकी विशेषता के आगे पाश्चात्य संस्कृति की कोई भी साथ नहीं है। सनातन संस्कृति व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्वस्थ, सुखी एवं सम्मानित जीवन जीने की कला सिखाते हुए भगवान को पाने का रास्ता बताती है। वहीं दूसरी तरफ भोग विलासता और तनाव में अमूल्य जीवन को नष्ट करना पाश्चात्य संस्कृति का ध्येय है। अतः अपने वैभवशाली संस्कृति व धर्म की रक्षा करें। हमारे संतों का जीवन सुरक्षित नहीं है कहीं भी, हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है कहीं भी, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है आज इस बार। अब ऐसी परिस्थिति में महाराज जी, हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है, आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। ऐसे ही संत हमारे देश की धरोहर हैं और भगवान और धर्म के बीच का सेतु भी। इनकी रक्षा धर्म व संस्कृति की रक्षा है। अखंड भारत को विद्रोहियों ने खंडित तो कर दिया, लेकिन हम अब भी न जागे तो भारत को लुप्त होने में देर नहीं।